मोबाइल में उसको फ़ोटो खींचे तो देखे मिला पेपर के से और इससे मिला सेम मक्खी वही था। तब हम इन लोगों से संपर्क किए तो ये लोग आए हैं। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। घर कहाँ है? पवर। अच्छा, तो आपकी बच्ची को ये जो मक्खी काटा तो ये मक्खी बच्ची लोग मार के रखा था? नहीं नहीं, ये इसको एक रोज पहले ही ये घटना हुआ था। हाँ, ठीक है। इसका जो घाव हुआ था एक रोज पहले, ये मक्खी हमको कल मिला तकिया के नीचे। ये जो मक्खी है? हाँ, ये मक्खी आपको तकिया के नीचे जहाँ बच्ची? हाँ हाँ, जहाँ बच्ची सोती है वहीं पे ये लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, वहाँ पे ये लोग का नजर पड़ गया। अच्छा, तो बोले कि पापा देखिए यही तो नहीं है वो मक्खी, हम लोग देखे उसको तो देखे सेम वही मक्खी है। अच्छा अच्छा, तो उसको हम फोटो खींचे मोबाइल में और इसमें बन गई। अच्छा, तो बच्ची के साथ अभी दिक्कत भी कुछ हो रहा है क्या? इसको पहले तो पूरा एकदम नोच रहा था, दर्द कर रहा था, छूने नहीं देता। मलहम था एक तो मेरा चौक पर से लाया और उसको हम कल दिन भर यानी कल स्कूल उसको जाने नहीं दिए। दिन भर 5 बार 6 बार मलहम लगाए तभी हल्का हो गया। अच्छा, और कोई परेशानी बच्ची के? जलन तो था, जलन लहर काफी था, लहर काफी बहुत लहर था, आंखें तरह रोती थी, बोलने की जलन बहुत थी, लहर रहे चिल्ला रहे, रोने की वजह से इसको कल स्कूल नहीं भेजा, छोड़ दिया। इतना जलन था? जलन। अच्छा, अभी डॉक्टर को दिखाए हैं कि नहीं? डॉक्टर को तो नहीं दिखाए, वो मलहम देखे लगाए कल तो देखे बहुत हद तक यानी 50 से ज्यादा परसेंट है। सर भी है और हम लोग सर के समक्ष ही इस मक्खी का गहन देख रहे हैं कि शायद वही फ़ोटो वाला मक्खी है क्या जिससे लोग भयभीत हैं। देखिए यही है, ये मक्खी है, यही मक्खी है और सर है, देख लीजिए। देखिए इसी मक्खी को हम लोग जूम कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए जूम करके, और शायद वही मक्खी लग रहा है। ये उल्टा साइड है, अब सीधा साइड से लेंगे। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह फिलहाल कोढ़ा के पवई में मौजूद है, लेकिन एक बात कहेंगे, जो न्यूज़ हम दिखा रहे हैं यह न्यूज़ मेरा कोई भी मेरा मतलब नहीं है और मेरा तात्पर्य नहीं है कि इससे गलतफहमी समाज में हम फैलाएं, लेकिन जो भी हम खबर दिखा रहे हैं इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और इसकी पुष्टि के लिए हम हो सके हर संभव डॉक्टर से बात करने की प्रयास करते हैं। आपने जो सुना था नैरोबी मक्खी, नैरोबी मक्खी के काटने से बहुत सारा चीज डिजीज बीमारी होने का जो खतरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो बताया जा रहा था, इस बच्ची को भी इसी मक्खी ने शायद काटा। देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन देखिए थोड़ा कैमरा कहेंगे जूम करके दिखाइए, ये देखिए ये पूरा आँख के पास भी काटा है, ये सब पूरा काटा है। और इनके गार्जियन सुबह सुबह हमको फ़ोन किए थे कि आप देखिए, और नैरोबी मक्खी को इसमें इन्होंने बंद भी किया है, ये देखिए इसमें बंद है, मर गया है, लेकिन इसको हम अभी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इसको मक्खी इस बच्ची को काटा है, उसके गार्जियन इस मक्खी को पकड़ के इसमें रखे हैं और हम दिखा रहे हैं और आपको लिए चलते हैं कोढ़ा PHC और वहाँ डॉक्टर AK सिंह जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है, सावधानी रखनी चाहिए और रखना भी होगा। फिलहाल इनके गार्जियन से बात करते हैं जिन्होंने ये मक्खी का दावा किया है कि यही नैरोबी मक्खी इनके बच्ची को काटा है। सर ये जो आपके सामने एक मक्खी हम ला के दिए हैं, इसको शायद नैरोबी मक्खी कहा जाता है, कीड़ा लग रहा है, कीड़ा है, लेकिन फोटो जो वायरल हो रहा है सेम इसी टाइप का मक्खी है। और इनके परिजन जो बच्ची से इसको काटने से घायल हो गई है, उनके परिजनों का कहना है कि इसी मक्खी ने काटा है, और उनका ये भी कहना है कि अगर इसकी सर पुष्टि करते हैं तो हम अपने बच्चे का इलाज भी करवाएंगे। इस संबंध में सर आप थोड़ा बताइए। ये मक्खी तो यदि वहाँ से लाया गया है तो लग रहा है कि वही मक्खी है, ऐसे देख रहे हैं उसको बड़ा करने से, लेकिन बहुत छोटा है जी। जो वायरल हुआ है वो बहुत बड़ा ऐसा लग रहा था, लेकिन ये बहुत छोटा लग रहा है जी। लेकिन हो सकता है, हम सब तो अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं वही मक्खी है, लेकिन पेशेंट को हम सब देख लेंगे, उसका देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, उसके बाद हम कुछ। अच्छा, इस मक्खी से बचाव के लिए लोगों को किस तरह की सुविधा करना है, इस तरह फायदा हो पाए? उस मक्खी को देखे तो उसको मार देना है, तुरंत यही एक होगा और कुछ करना है इसके लिए। सावधानी उसको सावधानी यही है कि जहाँ यदि काट लेता है तो उसको सफाई एंटीसेप्टिक से जैसे सेवलॉन से डिटॉल से
या आफ्टर से घर में रहता है जो सेविंग करते हैं उसे साफ कर लीजिए और उसका कुछ एंटी एलर्जी खाना है उससे ठीक हो जाएगा। सर सही में ये नैरोबी का जो प्रहार है जो यहाँ पर आने का क्या संभावना है, कहाँ तक आपका मैंने इसमें तैयारी है? जो अभी भी हम सब का वायरल हुआ है जी, आ सकता है, खाना संभव है। कोढ़ा में क्या तैयारी है सर इस मक्खी से बचाव तो करने के लिए? तैयारी अभी पेशेंट आ जाएगा तो तैयारी करेंगे, उसका सफाई सुथरा का मेन ध्यान देना है कि कोई भी कीड़ा आता है उससे बचाव करना है, कि घर में मेन सफाई करना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए, और जहाँ हम सब जल जमाव गंदगी, अभी आम का सीजन उसमें कीड़ा सब ज़्यादा पनपता है, उस आम का छिलका उलका को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दी या गड्ढे में फेंक कर दूर ढक दी, नहीं तभी ये बचाव हो सकता है, नहीं तो कीड़ा फैलना, यदि आ जाएगा तो कीड़ा ये फैलेगा। और सर क्या इसकी पुष्टि करते हैं कि ये कीड़ा हो सकता है वही हो? ऐसा तो हमको नहीं लगता कि वही होगा, संभावना है, हम सब पता लगाते हैं क्या है वो नहीं हो, ये तो लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सर आपका परिचय? सर डॉक्टर जय कुमार सिंह, बारिश अभी तो इसमें कुछ मलहम उलहम लगाए तो थोड़ा सा ये जख्म हल्का हुआ है, फिर यहाँ आग के नीचे पूरा ये काटा है मक्खी, और रात में ये मिला हमको, बच्चा लोग पढ़ रहा था तो बिछावन पे मिला, बोला कि देखिए पापा यही मक्खी है क्या, हम बोले लाओ उसको, तो ला के उसको नीचे में उतारे।